साहब विजयराज सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वीआरएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज में एक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री धनेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री महा सिंह, वीआरएसएम के डायरेक्टर सुनील राठौर के साथ कई छात्र मौजूद रहे। सुनील राठौर ने बताया है कि राजमाता विजयराजे के नाम से संचालित विजयराज सिंधिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट राजमाता के मकसद को पूरा कर रहा है, जिसके लिए जीवन पर्यंत कोशिशें लगातार जारी है। राजमाता का मानना है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा ही देश के विकास की आधारशिला है। सिंधिया कन्या विद्यालय, विजय राजे कॉलेज, कमल राजा कॉलेज और ऐसे कई संस्थान आज उनके इस सपने को पूरा कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री माया सिंह ने राजमाता को याद करते हुए कहा है कि वो एक आम परिवार से निकलकर पहले राज परिवार का हिस्सा बने, फिर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। उनसे प्रेरणा लेकर ही कई लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आ पाए हैं। राजमाता जी सरलता, सुविधा और संवेदनशीलता की त्रिवेणी हर क्षेत्र में उन्होंने हमेशा सदैव जिन लोगों की आवश्यकता होती थी उनको प्रोत्साहित किया कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो आगे आकर उनको इस तरीके की समाज में व्यक्तियों की मदद करना चाहिए, एक उदाहरण बनी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। अगर हम ग्वालियर अंचल में यहाँ दौरा गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंडिया स्कूल है, SKV है, कमला राजा है, पद्मा विद्यालय है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, AMI शिशु मंदिर है, और ये सारे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। और वो चाहते थे कि कोई भी मतलब बच्चा जो है वो अछूता नहीं रहे, जिसको भी शिक्षा न मिले, ऐसा माहौल। मामा साहब ध्यानेन्द्र सिंह जी और माननीय मामी साहब श्रीमती माया सिंह जी दोनों उपस्थित हुए और दोनों लोगों ने अम्मा महाराज के द्वारा किए हुए कार्य या वो किस तरह की वो प्रतिभा थी एक देश की शख्सियत के बारे में उन्होंने विधिवत बताया, जिससे कि क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कई राज्यों के बच्चे हैं, केवल मध्य प्रदेश के नहीं, मध्य प्रदेश से बाहर भारत के कई राज्यों के बच्चे, इवन विदेशों के भी, नाइजीरिया से भी बच्चे हैं, भूटान से भी हैं, नेपाल से भी हैं, उन सारे बच्चों को राजमाता के बारे में और एक शख्सियत के बारे में जानने को मिलता है कि हर व्यक्ति राजमाता कोई पैदा नहीं हुई थी। राजमाता एक सामान्य परिवार में आके फिर वो ग्वालियर की महारानी और इसके बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम कैसे बनी है, जब बच्चों को सुनने को मिलता है तो कहीं थोड़ा बच्चों में भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसे।